भारत मंडपमें स्टार्टअप महाकुंभ स्टार्टअप महाकुंभ में जोग देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युव उद्योगी व्यवसायी और निवेशकों देवे सफलतार मंत्र महाकुंभ में से स्टार्टअप संपर्क में पचारि बुझे प्रधानमंत्री मोदी नए भारत विकसित भारत सन 2047 तक विश्वगुरु भारत की परिकल्पना को लेकर किए जा रहे प्रयासों के इस महायज्ञ की तैयारी में स्टार्टअप महाकुंभ के समारोह में यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे विभागीय मंत्री महोदय, हमारे विभागीय राज्य मंत्री महोदय, विभागीय राज्य मंत्री महोदया और देश के विभिन्न राज्यों एवं विदेशों से आए सभी उद्यमी, निवेशक, अंकुरक एवं युवा शक्ति, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। स्टार्टअप महाकुंभ भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और नवोन्मेषी परिकल्पनाओं की एक कड़ी है। इस महाकुंभ में 3000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स, हजारों आइडियाज और तकरीबन 50,000 से ज्यादा देशवासी सम्मिलित हुए। आदरणीय महोदय, हमने यहाँ आए हर भारतीय की इच्छाओं और आकांक्षाओं को महसूस किया। हमने भारत की उभरती हुई सोच और शक्ति का दर्शन किया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और सतत प्रयास से यह संभव हो पाया है। आप सब से निवेदन है कि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम पर बनाई गई एक फिल्म के माध्यम से स्टार्टअप इकोसिस्टम की यात्रा को देखें। मैं स्टार्टअप हूं, नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ बदलते भारत की मैं बढ़ती ताकत हूँ। वो भारत जो अनंत संभावनाओं और नवाचार की भूमि है। आज भले ही मेरा नाम सभी जानते हैं, पर एक दशक पहले मुझे कोई नहीं पहचानता था। पर आज भारत की रगों में जिद है हर सपने को पूरा करने की, आसमान की बुलंदियों पर पहुंचकर सूरज को भी चुनौती देने की। तभी तो आज देश भर में 1,23,000 स्टार्टअप भारत के सामर्थ्य की कह रहे हैं नवीन कहानी। लगभग 13,00,000 नौकरियों और रोजगार के द्वार भी तो खुले हैं। 670 से अधिक जिलों तक मैं पहुंच चुका हूं। युवा शक्ति, नारी शक्ति की मैं मजबूत हुंकार हूं। भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी मैं आसमान छूने की जिद लिए नई ऊर्जा के साथ धड़क रहा हूं। स्टार्टअप इंडिया की यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक रही है। वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना शुरू हुई और फिर साल दर साल इससे नई उपलब्धियां जुड़ती गईं। साल 2024 में डिजिटल मैप्स की शुरुआत हुई। अभी हाल ही में भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री यानी भास्कर की शुरुआत हो चुकी है, जिसके माध्यम से स्टार्टअप इकोसिस्टम में विविध प्रकार के स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया जाएगा। स्टार्टअप की जोश, उमंग और कुछ कर गुजरने के मजबूत संकल्प से भरी ये यात्रा अब बनी है साक्षी 3 दिनों के स्टार्टअप महाकुंभ की, जिसमें शामिल हुए हैं 2,000+ स्टार्टअप, 100+ यूनिकॉर्न, 10+ थीमेटिक पवेलियंस, 1,000+ इन्वेस्टर्स, 300+ इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स, 3,000+ कॉन्फ्रेंस डेलीगेट्स, 10+ कंट्री डेलीगेशंस और
50,000 प्लस बिजनेस विजिटर्स। ये अपनी तरह का पहला आयोजन है जिसमें स्टार्टअप, निवेशक, इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स और कई सेक्टर्स के इंडस्ट्री लीडर्स सहित भारत के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को साथ लाया गया, जहां दुनिया ने देखी विकसित भारत की ओर बढ़ रहे भारत की एक और ऊंची छलांग और दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने की ओर बढ़ रहे भारत का विराट संकल्प। अब मैं स्वागत भाषण के लिए विभागीय मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर, भारत के सम्मानीय, साहसिक, समर्पित और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।